तो देखो मतलब ये जो लास्ट न्यूमेरिकल तो हो गए थे हमारे प्रीवियसली फ्लोटेशन के ऊपर, अभी ना उसके ऊपर कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं, जिसमें आप लोगों ने एक लास्ट टाइम पर क्वेरी पूछी थी कि डेड बॉडी जो होती है वो फ्लोट क्यों करती है यस सर, और जो जिंदा इंसान होते हैं वो डूब जाते हैं। तो इस टाइप के मन में बहुत सारी क्वेरीज है, तो मैंने कुछ तो कॉमन एग्जाम्पल दिए हैं तुम्हें, कुछ एग्जाम्पल तो बहुत ही कॉमन है वो देख लो। पहला क्वेश्चन कह रहा है आयरन नेल सिंक्स इन द वाटर वेयर एज शिप फ्लोट्स, तो इसका क्या रीजन है, मैंने रीजन लिख दिया साथ में, ठीक है, मैंने जानबूझ करके ये लिखा है ताकि आप इसको रिलेट कर पाना। क्या आंसर है बच्चा फर्स्ट वाले का, देखो एप्लीकेशन ऑफ ना, तो आयरन नेल कह रहे कि आयरन नेल डूबती है लेकिन जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं, जबकि दोनों ही आयरन की बनी होती हैं, दोनों का मटेरियल आयरन ही है, क्या रीजन है जानते हो यस ना, किसी को आइडिया है इसका क्या रीजन होता है? एक्चुअली देखो जो शिप्स होती हैं उनका अगर आप ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बोट शिप को समझने के लिए आप बोट का एग्जाम्पल ले सकते हो, नाव जो पानी में आप जाते हो बोट, तो वो इस टाइप से कुछ होती है मतलब ऐसे करके, और आप वो थोड़ा सा डूबती है, मतलब बोट की अगर हम बात करें तो जो बोट होते हैं वो पार्शियली सबमर्ज होते हैं, तो बोट की सिमिलर आप शिप का एग्जाम्पल मान लो। ये कह रहे हैं कि शिप का साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है, ये होता तो आयरन का है लेकिन क्योंकि ये काफी बड़े साइज का होता है तो इसके अंदर एक तरीके से एयर वगैरह भरी होती है, तो आयरन और एयर मिल करके फ्लोट कर रहे हैं यहाँ पर, आयरन प्लस एयर कंबाइंड वे में फ्लोट करते हैं और बहुत बड़े वॉल्यूम में। ये जानते हो क्या हुआ, मैं आपको बताऊं तो हमारे जो प्रीवियस केस में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, मैंने आप उस एग्जाम्पल्स को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करना, इन एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करने का कोशिश करना, गोल्ड और कॉपर में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है ये बताओ, गोल्ड ज्यादा डेंसिटी का होता है कि कॉपर ज्यादा डेंसिटी का होता है? गोल्ड सर, गोल्ड सर, गोल्ड 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 मान लेते हैं, कॉपर कॉपर से ज्यादा डेंसिटी है, गोल्ड भारी होता है ना मतलब। अच्छा तो अगर हमने गोल्ड में कॉपर मिक्स कर दिया तो डेंसिटी ओवर, अच्छा ओवरऑल डेंसिटी के बारे में क्या कहोगे, ओवरऑल डेंसिटी इसकी बढ़ गई या कम हो गई? सर बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। हाँ इसको ऐसे समझना, किसी भी चीज में कुछ आप मिक्स करते हो, जैसे कि देखो अब पानी है तो पानी की डेंसिटी और उसमें शहद मिक्स कर दें अगर हनी, तो क्या होता है, ज्यादा डेंसर कौन है, ज्यादा गाढ़ा लिक्विड कौन है इसमें से? हनी 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 ज्यादा रहता है। अगर हनी और वाटर को मिक्स कर देंगे तो एक बीच का लिक्विड तैयार होगा जिसकी डेंसिटी हनी से कम हो जाएगी लेकिन वाटर से ज्यादा हो जाएगी, मानते हो? हनी में अगर वाटर मिला दें तो वाटर से थोड़ा सा मोटा लिक्विड होगा लेकिन हनी से थोड़ा पतला लिक्विड होगा। यस सर। हाँ तो जब दो चीजें मिक्स की जाती हैं तो उनकी डेंसिटी मिक्स होने के बाद उन दोनों के बीच में कहीं आ जाती है, तो उनका ये कहना है यहाँ पर ऐसे ही कंसेप्ट में कि आयरन वाले शिप, शिप वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है कि शिप में एयर आ रही है, तो आयरन और एयर मिक्स हो गए, आयरन भी था प्लस एयर भी था, तो जब आयरन और एयर मिल करके फ्लोट करेंगे, मिल करके, तो आयरन और एयर दोनों को मिला दो, यानी कि एक एवरेज डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि एवरेज डेंसिटी, देखिए जो नेल होती है ना लकड़ी की, जो कील होती है, कील नेल, तो नेल क्या होती है, वो पूरी तरीके से सॉलिड होती है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो, तो उसके अंदर हवा तो जाएगी नहीं, तो इसका मतलब ये सिर्फ प्योर आयरन है, प्योर आयरन, इसमें सिर्फ लोहा है, लेकिन शिप जो होती है वो पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होती है, मतलब इट इज नॉट द सॉलिड ऑब्जेक्ट, कंप्लीटली सॉलिड तो है नहीं, तो इसमें आयरन और एयर का मिक्सचर है, आयरन प्लस एयर, तो उससे क्या होता है कि जो ओवरऑल डेंसिटी है वो रिड्यूस होती है, मतलब डेंसिटी जिसको हम एवरेज वर्ड यूज करेंगे, दैट एवरेज डेंसिटी रिड्यूसेस। तो अब क्या चीज फ्लोट करेगी, कम डेंसिटी की चीज फ्लोट करती है कि ज्यादा डेंसिटी की चीज फ्लोट करती है? सर कम डेंसिटी की, लेस डेंसिटी, जी। तो जो प्योर आयरन है ना, प्योर आयरन की डेंसिटी, प्योर आयरन डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा होता है, लेकिन आयरन और एयर का मिक्सचर जब शिप में जाता है तो इसकी जो एवरेज डेंसिटी है ये लेस हो जाती है पानी की डेंसिटी से, इन्हें हल्का हो जाता है और हल्की चीज फ्लोट करने लगती है, इसी को हमने थियोरेटिकल वर्ड्स में लिखा हुआ है, सेम चीज थियोरेटिकल वर्ड्स में मेंशन है, समझ आया आपको? यस सर। दूसरा वाला पॉइंट समझा सकते हो क्या है, शिप बिगिंस टू सबमर्ज मोर? यस सर। सर सी वाटर में डेंसिटी होती है वो लोअर होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है ना सी वाटर में, फॉल्ट की
कार्तिक इसकी वजह से सर समझ ज्यादा देते हैं। अगर आप नोट कर रहे तो नोट ना करिए, मैं ये सब कुछ अभी फॉरवर्ड कर दूंगा आज चैप्टर कंप्लीट होने पर, ये सब पीडीएफ फाइल में चला जाएगा आपके पास। सर आज कुछ लिखना नहीं है, मैं फॉरवर्ड करूंगा ना, ये लिखने में टाइम क्यों खराब करेंगे हम लोग। आप हम लोग समझ लेते हैं, आप अपने नोटबुक में चाहो तो लिख लो, अदरवाइज आप क्लास के बाद भी लिख सकते हो, मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा अभी। क्लास के बाद लिख लेगा अभी, समझ ले। हाँ मैं एज इट इज फॉरवर्ड कर दूंगा, जो लिख रहे थे स्क्रीन के ऊपर ये सब कुछ आपको पीडीएफ में फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन है। हाँ बच्चा एक सेकंड, बच्चा हम ले लेंगे क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि शिप के ऊपर कह रहे हैं कि वो सी वाटर में और रिवर वाटर में फर्क होता है, किस चीज का फर्क होता है तुमको पता है? सी वाटर और रिवर वाटर में फर्क मतलब जो होता है, सी वाटर हैज लोअर डेंसिटी देन रिवर वाटर, क्यों होता है? सी वाटर हैज मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट व्हाइल रिवर वाटर हैज, सी वाटर इज सलाइन, मतलब कि उनमें मिनरल्स का फर्क है और उनके अंदर अल्कलाइन होता है और उसके अलावा मतलब बेसिकली उनके कंपोनेंट्स का फर्क है। कौन सा ज्यादा मतलब ज्यादा मिनरल्स कहाँ पर मिलते हैं, वैसे कोई आइडिया है आपको? सी वाटर, सी वाटर, तो उसमें मिनरल वगैरह ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि सी वाटर की जो डेंसिटी है वो कम होती है, तो जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, हमको फर्क क्या पड़ जाएगा यार? अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट डूबने, ऑब्जेक्ट डूबेगा नहीं। देखो ये बेसिकली जानते हो कौन सा कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको, ये कंसेप्ट आपका बहुत पहले का लेक्चर है, बहुत पहले वाला लेक्चर ये वाला। ठीक है, ये कहाँ गया भाई, रुक जा कहाँ भाग रहा है यार, काफी ज्यादा ही भाग गया तू। ये वाला कंसेप्ट, density of body equals to submerged volume divided by the total volume into density of liquid, है ना, जो पहले पढ़ रखा है आपने। तो इसी concept को हम जल्दी से देखते हैं। ये as it is ना, मैं जितना notes आप देख रहे हो पिछले तीन classes का, वो सब forward हो जाएगा आपको। मेरे ख्याल से forward किया भी है शायद मैंने, कि नहीं किया है? कहाँ गया भाई? No sir. फॉरवर्ड नहीं है? नो सर। अच्छा एक मिनट को, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया है। जी तो जो हम उस फॉर्मूले को ढूंढ रहे थे और फॉर्मूला ढूंढते हम लोग खुद ही गायब हो गए। चलिए कोई बात नहीं, चलता रहता है, ये सब लाइफ का पार्ट है। चलो देखो जी, ये हमारा कंसेप्ट ये आ रहा था बच्चा कि जो सबमर्ज वॉल्यूम होता है, सबमर्ज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, है ना, इसके बारे में कहा गया था। तो ये क्या था हमारा, डेंसिटी ऑफ व्हाट क्या था अभी, कुछ आइडिया है आपको? डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, राइट। तो यही कंसेप्ट लगाओ इस कंसेप्ट से। ठीक है बच्चा, मैंने पिछली बार भी तुम लोगों से कहा था कि ये जो फाउंडेशंस आपकी बन रही है ये केवीपीवाई और ओलंपियाड में बहुत हेल्प करेगी। yes. तो सी वाटर के पास लोअर डेंसिटी है, तो इसका मतलब सी वाटर में जाने पर ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ये फैक्टर लो हो गया, लो इन कह सकते हो सी वाटर में यहाँ पर जा करके। और जब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो ओवरऑल ये रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी जी, तो फिर जहां पर लोअर डेंसिटी वहां पर रेशियो ज्यादा, जहां पर की कम डेंसिटी वहां पर रेशियो फर्क आ जाएगा। इस वजह से आप कह सकते हो कि डिफरेंस है, मतलब ये बेसिकली मतलब वाटर की क्वालिटी भी मैटर करती है कौन सा वाटर यूज किया जा रहा है। मैंने आपको पिछली बार कहा था जब आइस और वाटर का एग्जांपल मैं ले रहा था, तो मैंने आपसे कहा था प्योर वाटर का एग्जांपल मैंने कहा था प्योर वाटर तो मार्केट पे मिलता भी नहीं कहीं, कोई भी वाटर आप लोगे वो प्योर वाटर नहीं है, प्योर वाटर केमिस्ट्री लैब में डिस्टिल्ड वाटर के फॉर्म में आता है। तो आइस वाला एग्जांपल मेरा प्योर वाटर के लिए था, अगर आप उसको सी वाटर में रिवर वाटर में इम्प्लीमेंट करोगे तो वो सब चीजें नहीं मिलेंगी। तीसरा है अनलोडेड शिप इज फिल्ड विथ सैंड एट इट्स बॉटम, क्या वजह है कि जो शिप्स होती है उनको बॉटम पर उसमें सैंड क्यों भरते हैं? अनलोडेड शिप इज फिल्ड विद सैंड एट द बॉटम, क्या रीजन हो सकता है? अब आप समझा सकते हो मेरे को आंसर, हालांकि मैंने लिख दिया बैलेंस। तो बैलेंस किस चीज का? अनलोडेड शिप मतलब खाली, खाली शिप में कह रहे हैं कि बॉटम पर वो बेसिकली ना एक टेक्निकल वर्ड होता है उसके लिए यार, बैलेस्ट बोट मतलब ये जो हुआ लिखा है यहाँ पर,
बैलेस्ट बोलते हो आप इसको, जो मतलब बेसिकली शिप्स के बॉटम पर क्या होता है, खाली जगह होती है. हाँ, बैलेस्ट में क्या होता है कि हम लोग पानी या सैंड या कुछ ऐसा भर के उसको उसको हैवी बना देते हैं. क्यों? क्योंकि सर फिर अगर वेट इतना वेट बहुत कम हो जाएगा सर, फिर एक स्पेसिफिक लेवल पे सबमर्ज होना जरूरी होता है शिप का, नहीं तो शिप सिंक हो सकती है, पलट सकती है. पलटना ये मेन रीजन है बच्चा. देखो यही बिल्कुल सही बात है. जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तरफ मूव करते हो ना, देखो फर्क बताता हूँ आपको, बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का फर्क. जब आप बोर्ड एग्जाम की तरफ जाते हो तो ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिवली आता है, मतलब इसको इसका आंसर आप 4-5 लाइनों में लिखते हो, टीचर आपके कॉपी को चेक करते हैं और वो आपकी आपकी हैंड राइटिंग और आपके इंग्लिश के ऊपर और कई सारे फैक्टर के ऊपर नंबर मिल जाएंगे तुमको. लेकिन जब आप इसी चीज को ऑब्जेक्टिव पेपर में बैठते हो तो आपको एक्यूरेसी चाहिए होती है, एग्जैक्ट क्या रीजन है उसमें, एग्जैक्टली क्या रीजन है. अगर आप उसके रीजन को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहो तो क्या है, व्हाट इज द रीजन इन वन वर्ड कि क्यों हम लोग उसमें सैंड भरते हैं शिप में, अनलोडेड शिप में. सर दैट सो दैट इज मेंटेन द स्टेबिलिटी. आप देखो बिल्कुल, अब स्टेबिलिटी में यहाँ पर एक वर्ड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा ऊपर चला गया तो शिप आगे की तरफ डूबेगी, पीछे चला गया तो पीछे की तरफ डूबेगी. जी तो अब हम थोड़ा सा ना इसको डिटेल में समझेंगे यार. ये आंसर तो लिखा है लेकिन मतलब देखो, अगर आपका स्कूल का एग्जाम है तो आप ये 4 लाइनें लिख करके निकल जाओ वहां से, बहुत बढ़िया नंबर मिलेंगे, बहुत बढ़िया टॉप कर जाओगे स्कूल के अंदर, है ना. लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज होती है इसको समझो. क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऊपर होना खराब है या फिर मतलब अच्छा है? सर कभी कभी खराब है, कभी कभी अच्छा है. कैसे बताओ? स्केटिंग कर रहे हैं, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी स्केटिंग कर रहे हैं तो आगे की तरफ झुकेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बीच में होना जरूरी है तब. सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है पहले तो ये क्वेश्चन उठेगा ना, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. भाई हम लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप लोग बिल्कुल 100% सही बोल रहे हो, बट अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं तो सबसे पहले ये पूछूंगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है. भाई आप जिसके बारे में बात कर रहे हो आप मुझे ये तो समझाओ पहले कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है. सर द पॉइंट फ्रॉम व्हिच द होल बॉडी कैन बी बैलेंस्ड. राइट, आप इसका वर्ड समझो, बिल्कुल सही पॉइंट है. ग्रेविटी सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी. राइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह रहा है. ग्रेविटी का मतलब क्या है? अगर मैं बात करूं इसका कुछ ग्रेविटी से कनेक्शन नहीं दिख रहा तुमको? द पॉइंट वेयर द होल बॉडी इज अट्रैक्टेड towards earth by force of gravity. अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको. क्या होता है, जैसे मान लो अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, मतलब इररेगुलर टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, तो होता क्या है कि इस ऑब्जेक्ट में कई सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, एक ऑब्जेक्ट में कई सारे पार्टिकल्स होते हैं. तो अर्थ जो होती है हमारी, अर्थ अगर हम उसको स्फेरिकल शेप का ऐसे दिखाएं, तो जो अर्थ होती है वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, हर बॉडी को. तो इसके हर पार्टिकल को अर्थ डाउनवर्ड पुल करेगी अपनी तरफ. ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज पुल्ड बाय द अर्थ. इसको ध्यान से समझ लेना यार. ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस बॉडी इज नाउ पुल्ड बाय अर्थ. तो अगर हम कह दें कि एक हमारा ये पार्टिकल नंबर 1 है, फिर पार्टिकल नंबर 2 है, फिर पार्टिकल नंबर 3 है, पार्टिकल नंबर 4 है, ये पार्टिकल नंबर 5 है, तो पार्टिकल नंबर 1 के लिए ग्रेविटी की फोर्स को लिखोगे m1g, पार्टिकल नंबर 2 के लिए ग्रेविटी की m2g, पार्टिकल नंबर 3 के लिए लिखोगे m3g, पार्टिकल नंबर 4 m4g, पार्टिकल नंबर 5 m5g एंड सो ऑन. जितने पार्टिकल होंगे हर पार्टिकल के हिसाब से उसका एक mg होगा. बात समझ में आई आपको? Yes, sir. तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जब सारे पार्टिकल्स को अर्थ अपनी तरफ खींचेगी तो क्यों ना इन सारे फोर्सेस को मिला करके एक फोर्स बना दे, क्यों ना सारे पार्टिकल की फोर्सेस को मिला करके एक फोर्स कर दे. तो हमने क्या किया, उन सारे पार्टिकल्स को मिला करके और ऐड करके हमने कहा कि इसका मतलब टोटल फोर्स m1 + m2 + m3
प्लस एम फोर प्लस एम फाइव इंटू जी, इतना कह दिया कि टोटल फोर्स इतना हो गया। लेकिन ये टोटल फोर्स किस पॉइंट पर काम कर रहा होगा, फोर्स किस पॉइंट पर लगेगा, इसका मतलब बताओ। देखिए क्या होता है, आप सबके पास इस टाइम पर स्केल है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आप एक काम करें, अपने स्केल को स्टडी टेबल पर रख लें, अपनी स्केल को स्टडी टेबल पर रख लीजिए। अब उसमें एक तरफ 0 सेंटीमीटर लिखा होगा और एक तरफ 15 सेंटीमीटर, या फिर बड़ी स्केल है तो 30 सेंटीमीटर होगा। यस सर। ठीक, आप सिर्फ एक काम करना, मैं जो बोल रहा हूँ वो करिएगा। आप 0 सेंटीमीटर वाले मार्क को अपने जस्ट फिंगर से पुश करो, फॉरवर्ड पुश करो उसको, 0 सेंटीमीटर वाले को। आपको क्या दिख रहा है, स्केल क्या कुछ टर्न हुई, मतलब सर जगह पे घूम गया? यस सर। क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा है? क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज जी। अब वापस अब स्केल को वापस सीधा कर दो और अब आप उसके 15 सेंटीमीटर वाले मार्क को पुश करो उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जीरो वाले को किया था उसी डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर वाले को पुश करो। यस सर। यस सर, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। आया फर्क? यस सर। सर जी मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर आपको, देखिए एक मिनट, मैं कह रहा हूं ऐसे करके आपका जो स्केल होगा ना, ठीक है, ऐसे करके आप स्केल यूज करोगे तो चाहे जितने सेंटीमीटर का बना लो, मैं 15 सेंटीमीटर वाले स्केल की बात करता हूं, ठीक है जी। इस 15 सेंटीमीटर वाले स्केल को मैं पहले आपसे कह रहा था कि पहले आप एक काम करें, पहले आप 0 सेंटीमीटर वाले मार्क को पुश करें, इधर 0 पे आप अपना फिंगर लगाएं और इसको ऐसे पुश कराओ, जानते हो क्या रिजल्ट मिलेगा तुम्हें? अब मैं देखो, हम लोग फिजिकली तो नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको मैं पूरी चीज रियलाइज करा सकता हूँ कि अगर आप ऐसे पुश करोगे ना तो ये स्केल किस तरीके से मूव करेगी वो मैं समझा देता हूँ आपको। अगर आपने वाकई में किया होगा ना तो आप इसको समझ जाओगे, ये रोटेट कर जाएगा इधर ऐसे, हो रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये, yes. ये स्केल yes, जो पहले सीधे थी, ऐसे सीधे थी, जैसे ही आप पुश करोगे ये घूम जाएगी। मैं दूसरे स्केल से दिखा दे रहा हूँ उसको, मतलब लेकिन बेटा समझो मेरा पॉइंट, समझ लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम्हें, ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये ऐसा हो जाएगा, देखो। यस सर। यस। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा, ये मतलब क्या होगा, थोड़ा सा फॉरवर्ड, मतलब ये स्केल आगे भी चली जाएगी थोड़ा सा, आप करके देखिएगा, ऐसा नहीं होगा। यस सर। अगर आपने पुश किया होगा तो आफ्टर, मतलब इसको पुश करने के बाद होगा क्या, ये स्केल रोटेट कर जाएगी, ठीक है जी, और थोड़ा सा आगे मूव भी कर जाएगी, मतलब फॉरवर्ड भी चली जाएगी, थोड़ा सा मूव कर गई और फॉरवर्ड आ गई, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। अब आप एक काम करो, अब आप इसी स्केल को फिर से वापस, ठीक है जी, अब वापस वही वाली स्केल लाओ और अब आप क्या करिएगा, इस स्केल पर दूसरे साइड से फोर्स लगाओ। मेरा कहने का मतलब ये है, अब आप इस पे 15 सेंटीमीटर वाली साइड से फोर्स लगाओ, आप इसको पुश करो लेकिन 15 सेंटीमीटर वाले से करो, इधर 15 सेंटीमीटर वाली साइड से, और चेक करो कि अब क्या रिजल्ट होता है, क्या अभी भी बिल्कुल सेम चीज आएगी? सर सेम रिजल्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेम रिजल्ट कैसे हुआ, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो वो सेम रिजल्ट ही कहेंगे उसको, जानते हो क्या होगा, अगर आपने किया होगा तो मैं बता रहा हूँ अब क्या होगा आपके पास रिजल्ट, अब ये स्केल ऐसे घूमेगी। डायग्राम देखो जो मैंने बनाया है, बन रहा है ऐसा नहीं बन रहा? Yes, yes, sir. तो ये फिर से रोटेट हुआ, लेकिन अब की रोटेट क्लॉकवाइज हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज हुआ है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और पहले 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 वाले, पहले वाले में क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो अब समझो ऐसा क्यों हुआ, पहले वाले में इस 0 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर आपने फोर्स लगाई है, तो जो 0 सेंटीमीटर है उसको हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये इसका स्टेटमेंट होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, मतलब वो पॉइंट जहां पर मैंने फोर्स लगाई है तो 0 सेंटीमीटर पर लगाई है। दूसरे वाले में 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर कहेंगे कि ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ
फोर्स है। आई बात समझ में आपको? यस सर। तो फिजिक्स में एक चीज बड़ी मैटर करती है, फिजिक्स में ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मैटर करती है हमारे लिए कि जो फोर्स है वो अप्लाई कौन से पॉइंट पर हो रहा है। देखो सेम बॉडी है, दोनों में स्केल है, आराम सुनना, दोनों में स्केल है, एक ही बॉडी है, लेकिन उस बॉडी में जब आप 0 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो तो अलग रिजल्ट आ रहा है, और 15 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हो तो एक डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। सेम बॉडी पर फोर्स की लोकेशन चेंज करते ही रिजल्ट बदल जाता है। बात समझ में? सिंपल एग्जांपल है, बात समझ में आ रही है? यस सर। एक एग्जांपल में हमने जब फोर्स लगाया तो बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट हुई, दूसरे एग्जांपल में जब हमने फोर्स लगाया तो वही बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? बॉडी भी वही है, हम लोग पुश भी उतना ही कर रहे हैं, उसी डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, सब कुछ एक जैसा है, तो रिजल्ट क्यों अलग आ रहा है? इसलिए अलग आ रहा है क्योंकि पहली बार आपने उसके लेफ्ट साइड को पुश किया था और दूसरी बार आपने स्केल के राइट साइड को पुश किया हुआ है। यानी कि फिजिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि फोर्स एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पर लगाया है। और अब मैं तुमको एक और एक्सपेरिमेंट करने को दे रहा हूँ इसी में। सर उससे पहले क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? बिल्कुल पूछो। सर अगर जैसे हम लेफ्ट और राइट साइड से पुश कर रहे हैं तो हम उसका एक पार्ट उठ रहा है, अगर हम उसको सेंटर से न्यूक्लियर एग्जैक्टली कार्तिक मैं एक्टिविटी वही कराने जा रहा था आपको, मैं सेम एक्टिविटी की ही बात कर रहा हूँ कि अब आप एक काम करिए, आप इसी में वापस उस रूलर पे आइए, ठीक है, और आप लोग ये वाली एक्टिविटी जो मैं बोल रहा हूँ वो काम करिएगा। आप एक काम करें, आप एग्जैक्टली इसके सेंटर पॉइंट को पुश करिए, ठीक है ना। अब सेंटर पॉइंट को पुश करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो पहले बता दूं। तो पहले मैं इस स्केल को 15 सेंटीमीटर की जगह 16 सेंटीमीटर का कर देता हूं मैं अपने लिए, आपके पास तो स्केल है ही है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चलना, मैंने कर दिया। अब आप फिर से खुद करके देख सकते हो, आप इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट यानी 8 सेंटीमीटर वाले पॉइंट को पुश करो और आप अपने स्केल में 7.5 सेंटीमीटर को पुश करिए, ठीक है ना, और आप देखो क्या बनता है इसको पुश करने से, मतलब सेंटर पॉइंट को पुश करने पर क्या बनता है। क्या अभी भी ये रोटेट हो रही है? थोड़ा बहुत रोटेशन को छोड़ दीजिएगा, थोड़ा बहुत रोटेशन हो तो उसको भूल जाना। नो सर, अब ये रोटेट नहीं होगा। अगर आप एग्जैक्टली ईमानदारी से करोगे तो ये रोटेट नहीं करेगा, ये जानते हो क्या होगा, ये बॉडी अगर आपने वाकई में ईमानदारी से किया होगा ना तो आफ्टर पुश हो जाएगा। जी आफ्टर पुश जो होगा ये बॉडी सिर्फ आगे की तरफ मूव करेगी विदाउट रोटेशन, मूव विदाउट रोटेशन, ये हो जाएगा रिजल्ट। अब बात समझ में आएगी क्या हुआ कार्तिक जी? आई बात समझ में? यस सर। जी तो फोर्स की लोकेशन फिजिक्स में बड़ी मैटर कर जाती है कि एक ही बॉडी पर अलग अलग लोकेशंस पे फोर्स लगाने पर अलग अलग रिजल्ट्स मिलने लगते हैं आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर द फोर्स विल एग्जैक्टली अपीयर बिकॉज द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी दैट पॉइंट विल डिसाइड वेदर द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इट विल मूव और इट विल रोटेट and if it will rotate then whether it will rotate clockwise or anti-clockwise all these factors. तो इसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं, इसी को कि जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटी एक एक पार्टिकल पे तो लगा, एक एक पार्टिकल पे लगा, लेकिन जब हमने उन सब को मिला दिया तो मिलाने के बाद उन सब का टोटल वैल्यू हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट पर दिखाया और वो स्पेसिफिक पॉइंट हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब आप ये कहोगे कि किसी बॉडी के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो देखो क्या लिखा है मैंने, द पॉइंट वेयर द होल बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब पूरे बॉडी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिस पॉइंट पर काम करेगी, जिस पॉइंट पर काम करने का मतलब ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इस एग्जाम्पल में लेफ्ट साइड वाले एग्जाम्पल में फोर्स इज एट जीरो, तो फोर्स इज वर्किंग एट 0 सेंटीमीटर। इन द राइट साइड एग्जाम्पल फोर्स इज वर्किंग एट 15 सेंटीमीटर,
In this example, the force is working at 8 centimeter. So we need to specify at which point the force is acting. At which point the force is acting. And the same is true for the gravity. So you need to tell me at which point the force of gravity is acting. And the point where the force of gravity is acting, that we call it center of gravity. Clear ho gaya aapko? Yes, sir. Chalo. Yes, sir. Ji. Center of gravity ke alawa na ek aur point hota hai. Sunna ab statement dhyan se sunna. Center of gravity ke alawa ek aur point hota hai. Aur usko hum kya naam dene ja rahe hain ab? Center of gravity ke alawa ek point aur hai aur usko hum naam dene ja rahe hain. Center of mass यहाँ नहीं होगा, center of buoyancy. देखो बच्चा, आपके लेवल से बहुत ऊपर की बात हो रही है, पहली बात बता दूं. अपथ्रस्ट का भी कोई सेंटर होता है, वो तो चारों तरफ से भैया दुनिया की कोई ऐसी फोर्स नहीं है जिसका कोई ठिकाना ना हो. मतलब देखिए, हर फोर्स का ठिकाना होता है. जैसे आपका एड्रेस है घर का, बोलो. Yes, sir. तो आपकी आपकी एक लोकेशन है, कहाँ रहते हो? Yes, sir. तो फोर्स की भी फोन आया. फोर्स की भी तो लोकेशन होगी कि फोर्स कहाँ रहता है. क्या बनाए, मोमो बनाए? फोर्स. अरे भैया, मोमोज बात में खा लेना यार. चलो अच्छा, कोई बात नहीं. देखो देखो, पढ़ाई करते समय मोमोज खा रही है. है ना? क्या हो गया? पढ़ाई कर रहा है, पूछ रहे थे. खाओ बेटा खाओ, कोई अच्छी बात है. मोमोज का नाम होने से ही मुझे भूख लग जाती है. हाँ देखो, चलो अभी सेंटर ऑफ बॉयंसी निपटाओ, फिर खा लेना, हम भी खाएंगे. देखो मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारा हम लोग का एक लोकेशन होता है ना, वैसे फोर्स की एक लोकेशन होती है. मतलब कि आप प्रीवियस एग्जांपल को क्यों नहीं समझ रहे? देखो इनमें आपको ये बताना पड़ेगा ना कि फोर्स उस बॉडी के कौन सी पॉइंट पर लग रहा है, क्योंकि बॉडी तो 15 सेंटीमीटर की लेंथ की है. 15 सेंटीमीटर में इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, नहीं आएंगे? अगर आपसे कहा जाए कि बताओ गिन के परफेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है. अबे परफेक्ट डिस्टेंस में भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं सर, बट अगर कोई बॉडी जैसे कि वो इररेगुलर होगा तब हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे? सुनो मेरी बात तो सुनो, मैं बता रहा हूँ, समझो पहले, समझो तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी. थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा पेशेंस लाओ अपने अंदर कि हम लोग फिजिक्स में क्या होता है कि जब आपसे ये कहना है कि एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए. अच्छा चलो, आप आपके पास बॉडी है कि नहीं है? जितने लोग बोल रहे हो, आपके पास आपकी इंसान की बॉडी है? यस सर. है ना? कि यस सर. जी यस सर. यस सर. किसी के पास एनिमल की बॉडी होगी? बॉडी तो है ना सबके पास? यस सर. अच्छा, असली बॉडी की मतलब? सुनो मेरे, अबे असली बॉडी में जिंदा बॉडी इंसान की. देखो असली बॉडी कौन सी होती है? वो जो शोरूम्स के बाहर जिनको जिनको कपड़ा पहना के मैनिकन शोरूम्स के बाहर कपड़ा पहना के नहीं बैठाते जिनको मैनिकन. सुनो मेरी बात पहले. अब मान लो तुमको किसी ने धक्का दिया, किसी ने समवन कोई आया और तुमको पुश करके चला गया, धक्का देके चला गया, तो तुम उसको बताओगे नहीं कि उसने तुम्हारी बॉडी के कौन से पार्ट को पुश किया है? तुम्हारी बॉडी के हेड को पुश किया था, या शोल्डर्स को पुश किया था, या फिर आर्म्स को किया है, कि एल्बो को किया है? आपको ये बताना नहीं पड़ेगा मुझे कि उसने मुझे कहां पर पुश किया था? बोलो. यस सर, बताना. यस सर. यस सर. या कोई ऐसा, या कोई ऐसा भी आएगा कि तुम्हारी पूरी बॉडी को पकड़ के पुश कर देगा तुमको? अरे बॉडी का एक पॉइंट लेगा ना वो. यस सर. जी, तो कोई भी फोर्स बॉडी, कोई भी फोर्स बॉडी के किसी यूनिक पॉइंट पर डिफाइन होती है. हमको ये बताना पड़ता है कि उस पूरे बॉडी में कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पर फोर्स लगा है. तो इसी को मैं कह रहा हूं कि ग्रेविटी की फोर्स पूरे बॉडी के जिस यूनिक पॉइंट पर काम करेगी उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दो. और सेंटर ऑफ बॉयंसी किसको कह देंगे? नाम से देख लो, ये कह सकते हो द यूनिक पॉइंट वेयर पार्ट ऑफ द बॉडी. जी जी, वेयर द टोटल बॉयंट फोर्स, यानी कि अपथ्रस्ट, टोटल बॉयंट फोर्स जिसको कि आप अपथ्रस्ट भी कह सकते हो, टोटल बॉयंट फोर्स यानी अपथ्रस्ट विल एक्ट. ये बात समझ में आई तुमको क्या हुआ?
आप अपनी बॉडी का अपनी बॉडी से एग्जांपल लो. आप सबके पास एक अच्छी खासी बॉडी है, अपनी बॉडी का एग्जांपल ले दो. चलो आपको कोई धक्का नहीं देगा, आप तो धक्का दोगे अपने, कभी गुस्से में आते नहीं उठा के पटक देंगे तुमको, ऐसे ऐसे बोलते नहीं हो किसी को? यस सर. यस सर. हाँ, कभी किसी को धक्का नहीं दिया तुमने? नो सर. क्या मुझे किसी को गुस्सा नहीं? अरे भाई गुस्सा दोस्तों में भी सब देते रहते हैं. देते हो ना? आई एम वेरी काइंड पर्सन. किसी को धक्का देने के लिए मान लो तुम्हारा कोई बदमाश दोस्त है, बॉय है, कहाँ धक्का मारोगे उसको? सर शोल्डर पे. सब सिर पे तो सिर पे मारेंगे तो शोल्डर पे ऐसे कस के मार के जाएंगे आगे और उड़ जाएगा क्योंकि द बैक धक्का देंगे सर पीछे से बिल्कुल. अबे ऐसा फोर्स का इतना बढ़िया एग्जांपल कार्टून चैनल देखा करो, सिंघम अटैक, पंजा अटैक, ये सब देखा करो. नहीं, लेकिन काफी कुछ देखो, मेरा पॉइंट समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ यार कि जब आप फोर्स किसी बॉडी पे लगाते हो, बॉडी का मतलब अच्छा खासा साइज होना चाहिए उसमें, तो फिर मेरे को ये बोलना पड़ता है कि फोर्स मैंने बॉडी के इस पॉइंट पर लगाई थी. तो ऐसे ही बॉयंसी किसी बॉडी पर लगेगा ना यार, ह्यूमन बॉडी पे लगेगा, किसी शिप पर लगेगा, बोट पे लगेगा. तो ये बोट वोट बॉडी नहीं है, नॉन लिविंग बॉडी है ये सब. तो इनके किस सर अगर हम स्विमिंग करें तो सर हमारी पूरी बॉडी पे हर जगह फोर्स लग रहा है ना पानी का सर. नहीं अभी समझाते हैं आपको, अभी समझाते हैं, रुको अभी समझा रहे हैं मैं. रुको देखो, तो अब हम क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, ठीक है जी, अभी अगर कोई बॉडी मान लो फ्लोट करे तो उस बॉडी के लिए मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमने लिया बड़ा सा ऑब्जेक्ट और वो फ्लोट करे पानी में, तो हम इस बॉडी के अंदर दो पॉइंट्स दिखाएंगे. दो पॉइंट्स, वो दो पॉइंट्स कौन से दिखाएंगे सुनना, कौन से दो पॉइंट्स होंगे? एक उस बॉडी का यूनिक पॉइंट ढूंढो जहां पर ग्रेविटी की फोर्स काम करेगी. तो वो डिपेंड करता है बॉडी की शेप और बॉडी की साइज के ऊपर कि बॉडी रेगुलर शेप की है, इररेगुलर शेप की है, कैसी है. उसके हिसाब से उस बॉडी का एक यूनिक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसका मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां पर आप ग्रेविटी की फोर्स को मतलब कह सकते हो कि अर्थ बॉडी के उस पॉइंट को पकड़ के अपनी तरफ खींच रही है. जैसे तुमको किसी को खींचना हो तो तुम उस इंसान की बॉडी का कोई पार्ट पकड़ के खींचोगे ना. Yes, समझे कि नहीं समझे? उसका हाथ. Yes, sir. मम्मा छोटे बच्चे को हाँ खींचती है, हाथ पकड़ के खींचती है कि नहीं खींचती है? Yes, sir. बॉडी का जो टेंशन जैसे कहते हैं, कभी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका फोर्स मतलब बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, तब सर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड कर पाएंगे? नहीं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सुनो बच्चा, अरे बच्चा सुनो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना कैसे है वो एक अलग चीज है, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब बॉडी का वो पॉइंट जिसको पकड़ करके अर्थ ने उस बॉडी को पुल किया हुआ है, वो आप कह दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सर वो तो सर वेरी करता रहता ना सर. बिल्कुल भैया, करा नहीं तो सर वो वेरी कर जाएगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की शेप और बॉडी की साइज के अकॉर्डिंग चेंज होता है, शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है. इसको अभी छोड़िए क्योंकि इसका कैलकुलेशन तो अगर... तो बाहर भी हो जाता है बॉडी के. जी बॉडी को हम लोग वाटर में फेंकते हैं. क्या है सुनियो, सुनो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है? तो सेंटर ऑफ बॉयंसी का मतलब ये जो लिक्विड इस पर बॉयंट फोर्स लगाएगा ना, वो भी इस बॉडी के किसी ना किसी यूनिक पॉइंट पर होगा. सेंटर ऑफ बॉयंसी भी इस बॉडी के किसी ना किसी यूनिक पॉइंट पर होगा और वो सेंटर ऑफ बॉयंसी पर आप ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स दिखाओगे जिसको कह देना बॉयंट फोर्स, यानी कि अपथ्रस्ट. अब डन है, यहां तक डन है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कैसे होगा इसको छोड़ दो, क्या होता है ये समझ में आ गया? यस सर. पानी में नॉर्मल फोर्स नहीं लगता, पानी के नॉर्मल को ही तो बॉयंसी कहा गया है भाई साहब. पानी जितना नॉर्मल लगाती है उनका रिजल्टेंट ही तो बॉयंसी कहा गया है. तो नॉर्मल सर अगर बॉयंसी कहा जाए तो सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड बॉयंसी. बिल्कुल, ये डेफिनेशन शुरू में दी गई थी आपको. अच्छा आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक पॉइंट पे नहीं हो सकते? अब ये क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है. Yes, यही उस क्वेश्चन का, अच्छा यही उस क्वेश्चन का आंसर है. जानते हो अब क्या होता है, अब मैं तुमको कुछ और एग्जांपल दूंगा, ध्यान से करना. मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझना. ये एक्टिविटी तुमको करनी पड़ेगी यार,
ये एक्टिविटी तुमको करनी होगी। जानते हो क्या एक्टिविटी है? देखो, अगर मैंने आपको रूलर वाला एग्जांपल दिया था, आपको स्केल वाला एग्जांपल दिया मैंने आपको, yes. तो अब आप एक काम करिएगा, उस स्केल वाले एग्जांपल में आपको एक एक्टिविटी करनी है समझने के लिए। आप एक काम करना है, इसका कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, कोई भी पॉइंट। मान लो मैंने 5 सेंटीमीटर वाला पॉइंट चूज किया, और मैं 5 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर या किसी भी पॉइंट को चूज करके उस पर आप एक फोर्स लगाएं, मतलब उसको पुश करो आप किसी भी पॉइंट पर। साइमल्टेनियसली, मतलब मान लो ये आप पुश कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपका दोस्त भी है कमरे में, आपका दोस्त भी है और वो भी उसको पुश कर रहा है, लेकिन वो उसी पॉइंट पर अपोजिट साइड से पुश कर रहा है, उसी पॉइंट पर, एट द सेम पॉइंट। अब आप ये काम अपने दो फिंगर से कर सकते हो, एक लेफ्ट फिंगर एक राइट फिंगर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से ही कर सकते हो, अदरवाइज कोई है तो उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, मान लो आपके ब्रदर या आपके सिस्टर ने क्या किया, उन्होंने पुश कर दिया इधर बाय द फोर्स ऑफ F2, और दोनों बराबर हैं, मतलब दोनों की बराबर ताकत है, आपकी और ब्रदर की स्ट्रेंथ एक जैसी है, तो क्या होगा रिजल्ट करके बताओ। आप खुद कर लो ना, आप पेन ले लो, स्केल ले लो, स्केल के किसी एक पॉइंट पर दोनों साइड से फिंगर से प्रेस करो, बताओ क्या हो रहा है, वो किधर जा रहा है। नो चेंज होगा ना, बोलो होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। यस सर, नो सर, कुल मिला के बॉडी रेस्ट पे हो गई ना। आप क्या कहोगे, बॉडी रेस्ट पे है कि नहीं है? यस सर, यस सर, इसी को कहते हैं फोर्स बैलेंस होना। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। पर सर अगर एक तरफ से फोर्स ज्यादा हो तो क्या होगा सर? तो एक्सेलरेट कर जाएगा, वो अलग चीज है। रुको बच्चा, मैं हर आंसर दूंगा, आप बस इंतजार करिए, आपको हर चीज का आंसर मिलेगा। अब क्या किया तुमने, तुमने जो फोर्स लगाई है ना, मतलब आपकी जो फोर्स F1 है वो मान लो 3 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर है, और अब आपके दोस्त ने या आपके ब्रदर ने या आपके सिस्टर ने क्या किया, दूसरी जगह जाके फोर्स लगा दिया अपोजिट साइड पर, पॉइंट बदल दिया उसने पॉइंट बदल दिया यहाँ पर F2। अब आप स्केल पे करके देखो जरा, ऐसा स्केल पर एक लेफ्ट फिंगर से और एक राइट हैंड की फिंगर से अलग अलग पॉइंट्स पर अपोजिट डायरेक्शन में पुश करो, देखो क्या होता है इसमें। सर्कुलर पाथ बन जा रहा है, मैं अभी कर रहा हूँ सर। हाँ बिल्कुल, करने के लिए ही दिया भाई ये स्केल, क्या रोटेट नहीं कर जा रही है ऐसे ऐसे सर? सर्कुलर पाथ हो जा रहा है, ये रोटेट कर रही है, रोटेट हो रही है। यस सर, अगर हम लोग फिंगर का डिग्री अगर चेंज करके फोर्स अप्लाई करें तो कुछ इफेक्ट होगा क्या? मतलब कि डिग्री, फिंगर की डिग्री, मतलब फिंगर। देखिए अगर आप दोनों दो अपोजिट साइड से फोर्स स्केल के अलग अलग पॉइंट्स पर लगाओ, उस स्केल के अलग अलग पॉइंट पर अपोजिट साइड से फोर्स लगाओ, आप उसको रेस्ट पर रख ही नहीं सकते, करके देख लो, आप करके देख लो ये एक्टिविटी। डिफरेंट हुआ दोनों फिंगर का लगाने का, करके देख लो, हम कह रहे हैं कुछ भी करके देख लो, मेरी बात मत सुनो, करके देखो और मुझे बताओ, अगर रेस्ट पे है तो फिर बताओ। सर कर रहे सर, यस सर, यस सर, क्या हुआ ये सर, रेस्ट पे आ रहा है सर, सर्कुलर देखो तब भी घूम जाएगा, जब तक आप पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करते, इसके अलावा किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर लो, बॉडी रेस्ट पर रहेगी ही नहीं, आप करके देख लो एक्टिविटी घर पे कर लो। बहुत ही अजीब लॉजिक है, हमको बताया गया था कि अगर सेम फोर्स दो ऑपोजिट साइड से पड़ेंगी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, लेकिन वो सेम पॉइंट पर भी होनी चाहिए ना। यस सर, पर सेम फोर्स अपोजिट साइड से सेम पॉइंट पर हो, अलग-अलग पॉइंट पे करने पर घूम जाएगी बॉडी। यस सर, मतलब दोनों फोर्स कैंसिल आउट नहीं हो रहे जी, तो आप फ्लोटेशन में क्या होना चाहिए बताओ, दो फोर्स लग रही हैं, अपोजिट साइड लग रही हैं, क्या ये अलग अलग पॉइंट पर हो सकते हैं?
Yes sir, they can. Yes sir. तो body घूम नहीं जाएगी फिर? Float कैसे? Float करना मतलब rest पे होना. Float मतलब same point में होएंगे. अब आप scale वाला example समझ के बताओ ना. बताओ क्या ये दोनों अलग अलग points पे होने चाहिए कि same points पे होने चाहिए? अलग अलग से. डिफरेंट पॉइंट तो होंगे तो स्केल के हिसाब से घूमेगी बॉडी भाई, रोटेट कर जाएगी. रोटेट करेगी. सेम पॉइंट पर होना चाहिए वो. सेम पॉइंट. इसलिए ये जरूरी है कि दोनों लाइनें एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएं. मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम पर इस टाइम पर MG की लाइन और ग्रेविटी और बॉयंसी की लाइन सेम होनी चाहिए. अलग अलग लाइन नहीं हो सकती ये. देखो आपको स्केल वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ. F1 की लाइन और F2 की लाइन अगर पैरेलल हैं, मतलब उनके बीच में गैप आ गया, तो बॉडी रोटेट करेगी. और अगर F1 की लाइन और F2 की लाइन एक दूसरे के पर ओवरलैप कर जाएं, बच्चा लोग देखो मैं बना के दिखाता हूं. ये जो F1 की लाइन है ना, F1 की लाइन को ऊपर बढ़ाओ. ये F1 की लाइन है ब्लू कलर वाली, और येलो कलर वाली F2 की लाइन है. मैं डायग्राम के लिए थोड़ा सा गैप दिखा रहा हूँ, बट मैं क्या कह रहा हूँ, जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी तो बॉडी में रोटेशन नहीं हो पाएगा और ना वो आगे बढ़ पाएगी, वो वहीं पड़ी रह जाएगी. तुमने अभी करके देखा इसको सर, पर बट फोर्स तो परपेंडिकुलर एक्ट होना चाहिए ना. नहीं ऐसा कुछ नहीं है बच्चा. आप कोई और बॉडी ले लो, स्फीयर ले आना कल. स्फीयर ले, मैं तो अभी आपको रूलर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि घर में स्केल है आपके, नहीं तो मैं कोई और एग्जाम्पल भी दे सकता था. आप कोन ले आओ, बर्थडे कैप ले आ रहा है किसी बच्चे की कोन, उसको दो साइड से पुश करना. लेकिन दोनों पुश जो होने चाहिए वो सेम लाइन पे होने चाहिए, बॉडी कहीं नहीं जाएगी. दो अलग अलग साइड के पुश वाटर में सर पॉसिबल है जी? अगर कोई बॉडी से मूव करे तो सर इज इट पॉसिबल? हाँ जी. आप सुनो बच्चा, समराइज कर लेंगे. सर एक वर्टिकल लाइन पे अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं दोनों पॉइंट? मतलब वर्टिकल लाइन सर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको तीन फिगर बना देता हूँ, आप उसके हिसाब से सोचना. देखो मैं तीन फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, तुम उसे हिसाब से मुझे बताना कि क्या सिचुएशन होगी. मेरा पहला फिगर मान लो ये, दूसरा फिगर ऐसे कुछ है, और कोई तीसरा फिगर मान लो ऐसे है. तीन फिगर बनाता हूँ. तीन सिचुएशंस हो सकती हैं. तीन सिचुएशन क्या हो सकती हैं कि सबको पानी में डुबो दिया, बिल्कुल मार डालेंगे आज इनको. देखो तो सबको तीनों को पानी में डाल दिया. अब फर्स्ट केस में मैं कहता हूं कि पहले वाले केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में कि जो MG है, फर्स्ट केस में जो MG है वो डाउनवर्ड है. ठीक है जी, MG डाउनवर्ड. सेकंड, और उसमें जो बॉयंसी है वो ऊपर है, बॉयंसी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है. लेकिन दोनों लाइनें एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं. ये हो गया फर्स्ट केस. सेकंड केस में मैं आपसे कहता हूं कि जो बॉयंसी की लाइन है MG वो नीचे है ऐसे अलग पे, लेकिन बॉयंसी उसके पैरेलल है लेकिन किसी और पॉइंट से पास हो रही है ऊपर की तरफ. ये एक केस हो सकता है. और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस जानते क्या हो सकता है? देखो आप, ये समझने वाला पॉइंट है, क्लास 9th के लेवल से तो काफी ऊपर है, बट सेम लाइन बट नॉट ओवरलैप. हाँ ओ हाँ MG नहीं नहीं, तीन केसेस बता रहा हूँ तुमको. तीन केसेस क्या क्या हो सकते हैं वो समझिएगा, और बॉयंसी ऊपर की तरफ, ये तीन पॉसिबल केसेस हैं भाई. अगर ओवरलैप नहीं करेंगे तो फिर ये बताना पड़ेगा ना कौन राइट है कौन लेफ्ट है. तो या तो बॉयंसी राइट हो MG लेफ्ट हो, या फिर बॉयंसी लेफ्ट हो MG राइट हो, या फिर दोनों एक लाइन पे हो. पहले वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में मैं कहता हूं कि ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी. अब दूसरे वाले केस को समझने के लिए आप वो रूलर वाला एग्जाम्पल लो. रूलर वाला एग्जाम्पल कि आप अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी रोटेट नहीं करेगी? करेगी 100% करेगी. और इनफैक्ट देखिए, अगर ना अगर इस रूलर वाले एग्जांपल में आप F1 को राइट साइड कर दो और F2 को लेफ्ट कर दो, मतलब कि लेफ्ट एंड पर डाउनवर्ड पुश करो और समझ गए ना,
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पर अपवर्ड पुश कर रहे हो, इसको लेफ्ट साइड पर ऊपर पुश कर रहे हो और राइट साइड पर डाउनवर्ड पुश कर रहे हो। अब आप उल्टा करके देखो जरा, लेफ्ट पर डाउनवर्ड पुश करो और राइट पर अपवर्ड पुश करके देखो, क्या रोटेट करने का सेंस नहीं बदल जाएगा उसका? करके देखो, बदल रहा कि नहीं बदल रहा भाई? बदल रहा है। यस सर, बदल जाएगा। एक क्लॉक वाइज आएगा, एक परपेंडिकुलर की फोर्स लगानी है और फिर एक नॉर्मल 8 डिग्री मतलब 8 सेंटीमीटर से फोर्स लगाएंगे है, तब तो सर सीधे ही जाता है। अच्छा चलिए बच्चा, अभी आप परपेंडिकुलर वाला कर लो, आपकी क्वेरी में अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। हाँ बता दूंगा, अभी परपेंडिकुलर वाला हम लोग कर लें। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि बॉयंसी और एमजी जब सेम लाइन पे होते हैं तो हम कहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बॉडी रेस्ट पर है। लेकिन इस केस में क्या होगा जरा बताना है। देखो, लेफ्ट एंड का पॉइंट उस पर डाउनवर्ड फोर्स है और राइट एंड का पॉइंट पर अपवर्ड। स्केल को बना के देखो ना, स्केल लो, उसमें एक लेफ्ट और एक राइट साइड के पॉइंट्स बनाओ। लेफ्ट वाले पॉइंट पर नीचे की तरफ फोर्स लगाओ और राइट वाले पॉइंट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ और बताओ ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है कि क्लॉकवाइज घूमता है। लेफ्ट साइड पर नीचे की तरफ सर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेट हो गया और दूसरे वाले में क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा। समझ गए पॉइंट? यस सर। ये इस तरीके से देखना होता बच्चे आप लोगों। तो अभी फिलहाल आपका टॉपिक ये था कि सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया आपके लिए कि बॉडी तभी हमारी इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर सकती है जब जो ग्रेविटी वाली लाइन है और बॉयंसी वाली लाइन है वो सेम हो जाए। अगर अलग अलग लाइन हुए तो बॉडी फ्लोट नहीं कर पाएगी, वो रोटेट करने लगेगी, पलट जाएगी। रोटेट मतलब पलटना। कौन साइड करनी चाहिए? जी कौन? लाइन ऑफ बॉयंसी। किससे वन साइड करनी चाहिए? किससे? कोइंसाइड्स विद व्हाट? किससे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ एमजी। बहुत हाई लेवल कांसेप्ट हुआ ये आपके लिए सर। बट एक कंडीशन है जिसमें सर मतलब एक ही जगह पर फोर्स मतलब सेम लाइन पे फोर्स एक्ट नहीं करेगा पर जो स्केल है सर वो रोटेट भी नहीं करता। तो मूव तो करेगा, रोटेट नहीं करेगा तो मूव करेगा। एक जगह तो मैं कह रहा हूँ एक जगह पर रहो ना, रोटेट करना है ना आगे बढ़ना है, आगे पीछे मतलब एक तरीके से वहीं पड़े रहना जिंदगी भर, वहीं स्टैचू बन जाओ। स्टैचू बने रहने के लिए क्या करेंगे उसके लिए? सेम लाइन जी, उसके लिए फर्स्ट फिगर ही चाहिए आपको सेम लाइन पर। और इसीलिए कहा जाता है कि बॉयंसी बराबर एमजी होना चाहिए फ्लोट करने के लिए, बॉयंसी को एमजी के बराबर तो होना ही है। साथ में अब देखो, जिस पॉइंट पर आपने बॉयंसी को ड्रॉ किया है, जिस पॉइंट पर कह रहे हो कि बॉयंसी है उसको सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं, और जिस पॉइंट पर ग्रेविटी को दिखाते हो उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको, बताइए। नहीं, ऊपर नीचे होते, कोई एक ऊपर होता है कोई एक नीचे होता है। अब यही तो क्वेश्चन है, किसको ऊपर होना चाहिए? सेम नहीं होता, या तो सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा पॉइंट ऊपर नीचे होना चाहिए? अगर बॉडी फुली सबमर्ज है तो सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर होना चाहिए, और अगर बॉडी पार्शियली सबमर्ज है तो नहीं। तो हम तो बात तो शिप्स की कर रहे हैं, तो फुली सबमर्ज नहीं होती, पार्शियल सबमर्ज वाला होता है ना ये। सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे होता है। आप सुनना ध्यान से, आप मेरी सारी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आप अपने आंसर की तरफ आ रहे हो, वो आंसर जिसको अभी तक आप चाहते तो रट करके देते, आप चाहोगे तो समझ के दोगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने कहा, आप ही आप लोगों ने क्या कहा, कौन सा पॉइंट नीचे होता है? नीचे है, और आपने कहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है, तो फिर जो ठीक मान लिया, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी वो पॉइंट है जहां पर हम बॉयंट फोर्स को दिखाएंगे, यानी बी को दिखाएंगे ऊपर की तरफ, है ना, इस पर बॉयंट फोर्स दिखाते हैं, समझ गए। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर आप क्या दिखाओगे, नीचे की तरफ ग्रेविटी यानी एम जी को दिखाओगे। ये बाय डेफिनेशन है इनके, ये बात समझ में आई? Yes,
अच्छा दोनों सेम लाइन पर हैं तो अभी ये बॉडी इक्विलिब्रियम पर है, दोनों सेम लाइन पर हैं इसका मतलब ये बॉडी चुपचाप आराम कर रही है, रेस्ट पे है, कुछ नहीं होगा इसका, फ्लोट कर रही है ये बॉडी फ्लोट कर रही है। अचानक से बहुत तेज आंधी आ गई, मतलब हवा चलने लगी, अचानक से बहुत तेज हवा आ गई, क्या रिजल्ट होगा इस केस में? अगर बहुत तेज मान लो राइट साइड की तरफ एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी, एक पल को तो स्टॉर्म, मतलब हवा आई तो आंधी तूफान में गाड़ियां पलटती नहीं है क्या? यस सर पलटती है ना। अब सुनो, अब सुनना, इससे क्या होगा, ये बॉडी पलट जाएगी और इसका राइट वाला पोर्शन नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा और लेफ्ट वाला पोर्शन ऊपर उठ जाएगा, ऐसे पलट जाएगी। अगर हवा आएगी ना तो ये पलट जाएगी नीचे की तरफ। अगर आपको इररेगुलर बॉडी से समझ आ रहा तो मैं आपको रेगुलर बॉडी से भी समझा सकता हूँ। रेगुलर बॉडी से समझो कि अगर कोई बॉडी मान लो ऐसे रॉड के फॉर्म में है, सिलेंडर के फॉर्म में है, ऐसे करके बॉडी है मान लो, तो ये पलटेगी कैसे, आप इससे समझो। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आ रहा और इधर से हवा आई, विंड आई, तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। अपने टेबल पर कोई चीज ऐसी खड़ी कर दो और उसको फूंक मारो, फूको उसको, देखो किधर पलटती है। टेबल पर पानी की बोतल रखो और बहुत तेज उस पर हवा चलाओ, फूको उसको, देखो किधर पलटती है वो। yes, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ये क्लॉकवाइज पलट जाएगी, अब बना के देख लेना। मैं कह रहा हूँ ये ऐसे पलट जाएगी हवा की डायरेक्शन में, हवा की डायरेक्शन में घूम जाएगी वो ऐसे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बॉडी जब घूमेगी तो हवा के साथ उसका टॉप वाला एंड नीचे गिरेगा, जो टॉप वाला एंड है ना वो नीचे की तरफ आ जाएगा। करके देखिए, कोई पतली सी चीज, हल्की सी चीज खड़ी करके देख लो, हवा मारो, फूंक मारो उसको। यस स्केल के साथ कर जी। तो ये अच्छा, अब क्या होगा जब ये बॉडी, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर अगर विंड लेफ्ट साइड से आ रही है, अगर विंड लेफ्ट साइड से आ रही है ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो ये जब ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, बच्चा लोग ध्यान से सुनना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट ये राइट शिफ्ट करेगा या लेफ्ट शिफ्ट करेगा अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूमती है तो? मतलब दूसरे वाले फिगर में देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, हवा की वजह से वो बॉडी क्लॉकवाइज घूम गई, तो अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो शिफ्ट कर गया ना इधर, राइट शिफ्ट करेगा, राइट शिफ्ट, हाँ राइट शिफ्ट कर गया। तो अब आप अब आप एम जी को यहाँ दिखाओगे, अब आप कहोगे एम जी यहाँ पर है, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे था, ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे था तो वो भी राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, है ना, सेंटर ऑफ बॉयंसी भी राइट शिफ्ट कर गया, तो बॉयंसी को हम ऊपर दिखाएंगे ऐसे राइट साइड शिफ्ट करके। लेकिन अब ये सेम लाइन पर नहीं रह गए, अब ये सेम लाइन पर नहीं रह गए क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोगों ने ऊपर कहा हुआ है और सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे कहा हुआ है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी राइट साइड शिफ्ट करेगा लेकिन थोड़ा सा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा शिफ्ट कर जाएगा, हवा का इफेक्ट ऊपर ज्यादा होता है। तो अब क्या हुआ, अब ये अलग अलग लाइन पर हो गए। अब आप इसको समझो, अब क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट लेफ्ट पॉइंट पर ऊपर फोर्स है और राइट पॉइंट पर नीचे फोर्स है। इस टाइप की कंडीशन में बॉडी कैसे रोटेट करती है, अगर हम लेफ्ट साइड पर ऊपर फोर्स, देखो क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड पर ऊपर फोर्स और राइट साइड पर नीचे फोर्स लगाओ तो कैसे घूमेगी ये क्लॉकवाइज। यानी अब क्या होगा, ये जो बॉयंसी और एमजी हैं ये इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमा देंगे और बॉयंसी और एमजी मिला करके इस बॉडी को और ज्यादा रोटेट करा देंगे। बात समझो, तो हवा की वजह से हम रोटेट हुए और ऊपर से बॉयंसी और ग्रेविटी ने मिल करके हमको घुमा दिया, और तो क्या हम स्टेबल हो पाएंगे? नो सर, मतलब हमारी शिप हवा की वजह, हवा की वजह से शिप थोड़ी सी पलटी और बॉयंसी ने और पलट दिया उठा करके, आपको पूरा 180 डिग्री घुमा करके पानी में डुबो देंगे वो। अब दूसरा एग्जांपल देख लो, लास्ट एग्जांपल, अब खत्म कर दें इस टॉपिक को, काफी हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो अभी आप लोगों ने कौन से पॉइंट को नीचे माना था, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे माना ना, अब उल्टा करो, हम मानते हैं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है
चलो हम ये मानते हैं कि सेंटर ऑफ अ बॉयंसी ऊपर है, ठीक है जी। तो अब हम मानते हैं कि सेंटर ऑफ अ बॉयंसी ऊपर है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, तो अब हम क्या करेंगे, mg को कहाँ दिखाएंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नीचे की तरफ, यहाँ पर mg दिखाएंगे, और बॉयंसी को ऊपर की तरफ दिखाएंगे, सेंटर ऑफ बॉयंसी के ऊपर। ये बॉयंसी दिखा दिया, यहाँ mg दिखा दिया, फिर हवा आ गई, ठीक है, हवा तो कहीं भी आ सकती है, तो फिर ऐसे बहुत तेज विंड आई, बॉडी पलट गई, विंड आने से क्या हुआ, ये बॉडी पलट गई, रोटेट कर जाएगी। अब आप समझना, जब ये बॉडी विंड की वजह से, हवा की वजह से घूम जाएगी ऐसे, ठीक है ना, पलट गई, तो क्या हुआ, मतलब ये ड्यू टू विंड हुआ, और उससे क्या हुआ, सेंटर ऑफ बॉयंसी आगे आ गया, सेंटर ऑफ बॉयंसी यहां शिफ्ट कर गया, क्योंकि इसकी वजह से ये यहां से यहां शिफ्ट कर गया, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट कर गई। लेकिन आप फोर्सेस कैसे दिखा रहे हो, आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर डाउनवर्ड फोर्स दिखा रहे हो और सेंटर ऑफ बॉयंसी पर ऊपर फोर्स दिखा रहे हो, यानी इधर mg दिखा रहे हो, इधर बॉयंसी दिखा रहे हो। अब आप बताओ, लेफ्ट साइड के फोर्स पर नीचे की तरफ फोर्स है और राइट साइड के पॉइंट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ, चेक करके बताओ स्केल कैसे घूम रही है, अगर लेफ्ट साइड पर नीचे इसका मतलब ये बॉयंसी और ग्रेविटी मिल करके बॉडी को फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे इधर, मतलब जो हवा का इफेक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल, और बॉडी फिर वापस कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, यानी कि स्टेबलाइज हो जाएगी, यानी वो अपने आप को रीस्टोर कर लेगी। अब समझ में आ गया, लेफ्ट की बजाय राइट से आ रही हो तो उधर घूम जाएगा, तब भी यही होगा, करके देख लो सर, तब फिर क्लॉकवाइज आएगा, नहीं होगा क्लॉकवाइज, आप विंड की डायरेक्शन पलट रहे हो। यस सर, चलो पलट देते हैं भाई, विंड की डायरेक्शन पलट देते हैं, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, चलो विंड की डायरेक्शन यहाँ की बजाय कुछ और कर देते हैं, कहाँ कहाँ चाहते हो, कहाँ से विंड चाहते हो सर, राइट साइड से ले लीजिए फॉर एग्जांपल। चलो, तो राइट साइड से अगर हवा आएगी तो बॉडी पलटेगी किधर फिर सर, लेफ्ट साइड। चलो तो इसको लेफ्ट साइड पलटा दे पहले, हवा की वजह से पलट गए। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी कहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ पहुंच गया सेंटर ऑफ बॉयंसी, खुद करके देखो यार, अब एक बार कंसेप्ट पकड़ लिया तो समझ लेना। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी पर बॉयंसी ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ग्रेविटी नीचे, यानी कि लेफ्ट साइड पर ऊपर फोर्स और राइट साइड पर नीचे फोर्स, करके देखो क्या बनता है, टॉर्क कैसा बनेगा सर, ऑपोजिट क्लॉकवाइज टॉर्क बन गया, क्लॉकवाइज, और हवा ने इसको कैसे पलटा था, एंटी क्लॉक, फिर हवा को बैलेंस कर देंगे हम, फिर हवा को बैलेंस कर देंगे, गिरने नहीं वाला सर कोई, अगर बॉयंसी ऊपर है तो सर कोई चांस नहीं है कि गिर जाए। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ बॉयंसी को हमेशा ऊपर रखना होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखना होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे तब होती है जब नीचे बॉडी हैवी हो, एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के हैवियर पोर्शन पे होता है, इसी वजह से जो भारी भारी इंजन और सारी चीज होती है शिप की वो सब बॉटम में ज्यादा रहती है। ये अब आप समझो ना, देखो क्या है, क्या लिखा था यहाँ पर, अनलोडेड शिप इज फिल्ड विद द सैंड एट द बॉटम, बॉटम पर सैंड भरने से उसका बॉटम भारी हो जाएगा, और जब बॉटम भारी हो जाएगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे पहुंच जाता है। यस सर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ऊपर का पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होता है खाली खाली शिप में, एम्प्टी शिप में, तो इट मे गेट ब्लोन ओवर ऑन इट्स साइड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड, देयरफॉर एन अनलोडेड शिप इज फिल्ड विद द सैंड और स्टोन्स कॉल्ड बैलेस्ट at the bottom, this lowers the center of gravity and the equilibrium of shape becomes stable. कि हवा चलेगी तो वो संभल जाएगी। सब बहुत खतरनाक साइंस यूज करते हैं सर शिप बनाने वाले भी। आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई, इसकी इतनी इतनी सारी थ्योरी लगाई इसके पीछे? यस सर, पता चल गया। यस सर। सर हमारे ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां पर है? वो ऐसा डिफाइन नहीं हो सकता, वो हर हर आदमी का बॉडी अलग है। जी यस सर, 50% एग्जैक्ट नहीं है, बेली बेली तक रहता है सर, वैसे चेंज होता रहता है बेली पे, जब स्ट्रेच पे तो चेस्ट, इसको कोई नहीं बता सकता। अभी सामने वाला आर्टिकल देखो, टाइम आप लोग ज्यादा ले चुके हो, फ्लोटेशन ऑफ मैन, तो
अभी आप लोगों ने पूछा कि आदमी तैरता कैसे है, तो आदमी तैरता इस वजह से है कि आपकी बॉडी में ना हवा कितनी है उस पर डिपेंड करता है। देखिए एवरेज डेंसिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अगर हम बात करें यहाँ पर क्या लिख रहा है इन्होंने, एवरेज डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन द प्रपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स लाइक बोन, हड्डियां कितनी है आपके बॉडी में, समझ रहे हो, एवरेज डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन द प्रपोर्शन ऑफ द बोन, ब्लड कितना है भी कि नहीं है, मसल्स कितनी है आपकी, फैट कितना है आपके बॉडी में, बहुत सारी चीजों पे। उसके अलावा ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एयर, कहाँ पर, एयर इन योर लंग्स, मतलब लंग्स में कितना एयर है उस समय जिस समय आप तैर रहे हो, और एवरेज डेंसिटी ऑफ द बॉडी विथ एम्प्टी लंग्स, खाली लंग्स के साथ वो 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन अगर उन्हीं लंग्स में हवा भर जाए तो वो कम हो जाती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। तो अगर हम एयर को इनटेक कर लें, अपनी बॉडी में अंदर हवा भर लें, तो हम लोग हल्के हो जाते हैं, हमारी डेंसिटी कम हो जाती है और हल्की चीज फ्लोट करती है। सो अ गुड स्विमर कैन लाई इन द वॉटर लाइक अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट विथ हिज लंग्स फिल्ड विथ एयर एंड नोज एंड माउथ प्रोजेक्टिंग जस्ट अबव द वॉटर, सब कुछ नहीं, आपको नाक और मुंह जो है वो पानी के ऊपर रखना पड़ता है, और पूरी बॉडी आप लेट करके आराम से तैरो, आप अपने लंग्स में हवा भर लो, जितनी ज्यादा हवा भर सकते हो वो करो। हवा भरनी है, निकालनी नहीं है सर, पर जितनी हवा निकलती है सर उतनी हवा अंदर भी होती है, तो वो तो ब्रीद करने पर डिपेंड करता है ना कि आप ब्रीद कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो सर। सर पानी के अंदर भी तो सर हम पानी के अंदर गैस छोड़ते हैं मुंह से और बाहर आके सर अगर सांस वापस लेते हैं, तो पानी में ब्रीदिंग डिफिकल्ट नहीं होती है, हवा सांस लेना डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा? यस सर, सांस लेना डिफिकल्ट होता है सर, सांस छोड़ना। हाँ तो स्विमिंग सबके बस की बात थोड़ी है, स्विम करने के लिए आपको एयर इनटेक करनी होती है, अपने लंग्स में एयर भरनी पड़ती है। यस सर, तो आसान है सीखने वालों के लिए सर, आसान है। इससे आप डेड बॉडी को रिलेट कर सकते हो। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे। और इट इज इजियर फॉर अ मैन टू स्विम इन द सी वाटर देन इन द फ्रेश और रिवर वाटर, इसका कांसेप्ट पीछे डिस्कस हो चुका है। सॉल्ट डेंसिटी जी, सबमरीन्स का भी सेम कांसेप्ट होता है, उसके अंदर एक इक्विप्ड विद द बैलेस्ट है, और बैलेस्ट का मतलब वो स्टोरेज होता है, उसके अंदर वो पानी भर सकते हैं और पानी निकाल भी सकते हैं। एक्चुअली सबमरीन्स का बॉयंसी टैंक्स, हाँ जी बॉयंसी टैंक उसको बैलेस्ट कह सकते हो या जो भी कहे। तो इसको अब आप मतलब अब इसके बाद आपको थ्योरी समझ में आने लगेगी, पूरी थ्योरी समझ में आने लगेगी सर। पर सबमरीन सर फ्लोट भी तो नहीं करती है, मतलब सर सबमरीन डूबती भी नहीं है, फ्लोट भी नहीं करती, बस नॉर्मल पेस पे रहती है अंडर वाटर। तो उसी को तो फ्लोट कर रहे हैं, और क्या होता है, एक जगह पड़े रहो सर। फिर वो सरफेस पे कहां आई सर, तो थोड़ा डूबी रहती है पानी में ना, पार्शियल सबमर्ज, पार्शियल सबमर्ज नहीं, पार्शियली सबमर्ज भी नहीं कह सकते सर, क्योंकि वो दिखती नहीं है सर पानी के अंदर भी ऊपर से। अरे तो इसीलिए नहीं दिखती भैया, वो बैलेस्ट जो बता रहे ना उसमें पानी भर देते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एज पर रिक्वायरमेंट द वॉटर फ्रॉम द सी इज फोर्स्ड इनटू द बैलेस्ट मेकिंग एवरेज डेंसिटी ऑफ सबमरीन हायर एंड इट सिंक्स मोर इन द वॉटर, और जब जरूरत पड़ेगी वेन नीडेड वॉटर स्टोर्ड इन द बैलेस्ट इज फोर्स्ड आउट इनटू द सी, पानी को वापस भेज दो वहां पर। अरे जैसे आदमी हवा को इनटेक कर रहा है, सबमरीन पानी को इनटेक कर रही है, पानी को लिया पानी को छोड़ दिया। yes, चलो इसको है ना और समझाएंगे। और आइसबर्ग्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, आइसबर्ग्स का? यस सर, करते हैं सर, उसका क्लियर है, उसकी डेंसिटी कम होती है जी। फ्लोटिंग ऑफ फिश में देखो, फिश के अंदर एक स्विम ब्लैडर होते हैं, मतलब इसके बारे में अगर आपने सुना हो कि नेचुरल होता है ये। yes, वो क्या करते हैं अपने स्विम, ये वैसा ही है जो बैलेस्ट है पानी का ना, स्विम वो क्या करते हैं, लिक्विड को इन या आउट करने लगते हैं और उस वजह से नीचे ऊपर होने लगते हैं, बिकॉज मछलियों को देख करके ही सबमरीन्स का कंसेप्ट आया हमारे पास। ठीक है बच्चा, तो मैं इसके नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, है ना, इसमें अगर इन केस कोई पॉइंट, पूरे चैप्टर स्टार्टिंग से है या केवल पूरा पूरा स्टार्टिंग से है बॉयंसी से, तो फिर भी अगर कोई पॉइंट तुमको रह जाता है तो वो पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे, अगर कोई पॉइंट रह गया तो। इसको पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बॉयंसी, बता रहा हूं आपको।
इंटरेस्टिंग है यार, मजा आती है पढ़ने में, कॉन्सेप्ट में। यस सर। अगला क्लास लास्ट क्लास होगा क्या? नहीं, अब हम ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, इसको हम डाउट सेशन में और रिवीजन क्लास में रखेंगे। ओके सर, वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। जी चलिए जी, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय।